अब तक का दोस्तों चीपेस्ट पॉपअप सेल्फी कैमरा स्मार्टफोन। जी फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ इन्फिनिक्स S5 Pro के बारे में। इस स्मार्टफोन में पॉपअप सेल्फी कैमरे के अलावा कुछ और भी देखने को मिलता है या नहीं मिलता है कि केवल टैग ही लगा दिया गया कि चीपेस्ट स्मार्टफोन पॉपअप वाला। चलो दोस्तों, बताते हैं आपको इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम चौहान एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे वास्तविक टेक चैनल पे। जब फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे इसके डिज़ाइन की, लुक की, तो नो डाउट बहुत ज़्यादा अच्छा है। बैक में यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिल जाता है, वहीं दोस्तों फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाता है। कलर की बात करें तो दिखने में बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है, इसको आप फॉरेस्ट ग्रीन कलर कह सकते हैं क्योंकि ग्रीन बहुत ज़्यादा ग्रीन है, इसीलिए बहुत ज़्यादा प्यारा भी लगता है दोस्तों। हाँ दोस्तों, बात करें इसकी डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पर आपको 6.53 इंच की फुल HD IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और ये डिस्प्ले आपको फुल व्यू डिस्प्ले देखने को मिलती है। क्योंकि आपको दोस्तों पता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ना कोई पंच होल डिस्प्ले है ना कोई नॉच है, यहाँ पे आपको पॉपअप वाला कैमरा देखने को मिलता है, इसीलिए दोस्तों ये फुल व्यू डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है। दोस्तों मैं अगेन कहना चाहूँगा, डिस्प्ले बहुत ज़्यादा वाकई में अच्छी है, क्योंकि हम लोग इन्फिनिक्स से ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि वो डिस्प्ले इतनी अच्छी दे देंगे। तो डिस्प्ले के लिए दोस्तों मैं आपको अभी से कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को एक बड़ा सा थम्स अप दे दीजिए, मेरे लिए नहीं, इन्फिनिक्स वालों के लिए। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं इसका प्रोसेसर, क्योंकि जनरली क्या होता है इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन आते हैं वो हीलियो के P20 प्रोसेसर के साथ आते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने क्या थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया है। इस स्मार्टफोन में आपको हीलियो का P35 प्रोसेसर आपको देखने को मिलता है, विच इज़ अ वेरी डिसेंट प्रोसेसर, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि P20 से तो थोड़ा सा अपग्रेड किया ही है, ये एक अच्छी बात है दोस्तों। हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूँ ये स्मार्टफोन आपको एक ही वेरिएंट में देखने को मिलेगा, 4GB 64GB, लेकिन दोस्तों एडवांटेज ये है कि यहाँ पे आपको माइक्रो डेडिकेटेड SD कार्ड का स्लॉट भी देखने को मिल जाता है, जिससे आप अपनी मेमोरी को एक्सपेंड कर पाएंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं, मोस्ट वेलकम, लेकिन दोस्तों आपने अगर एक चीज़ नहीं की है, सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को हिट कर लो, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही आपके लिए वीडियोस आती रहती हैं। हाँ दोस्तों, बात करना चाहेंगे हम लोग यहाँ पे इसकी बैटरी के बारे में, क्योंकि 6.5 इंच की यहाँ पे आपको लार्ज डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, वो भी फुल व्यू, तो बैटरी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है वो 4000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, 10W के चार्जर के साथ आती है, और USB आपको केबल देखने को मिलती है, 3.5mm ऑडियो जैक भी आपको देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों क्या आप एक्सेप्ट कर रहे थे कि ये टाइप सी पोर्ट के साथ आएगा? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मुझे पहले से ही पता था कि इन्फिनिक्स हमेशा USB केबल लेकर के ही आएगा, और USB केबल ही आई है और 10W के चार्जर के साथ आई है, मतलब आप कह सकते हैं आप अपने स्मार्टफोन को जल्दी चार्ज नहीं कर पाएंगे, नॉर्मल चार्जर दिया गया है। वैसे दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, Realme 6B लॉन्च कर दिया गया, उस पर हमने दोस्तों एक वीडियो बना दी है, उस वीडियो का लिंक मैंने आपको आई बटन में दे रहा हूँ, वीडियो को लास्ट में भी देखने को मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को मिल जाएगा, उस वीडियो को भी दोस्तों मिस मत करना, Realme 6 की जा करके एक बार जो उसे देख लेना। चलो दोस्तों बात करेंगे हम लोग यहाँ पे इन्फिनिक्स S5 Pro के कैमरास के बारे में। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, बैक में आपको ट्रिपल कैमरे देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे इसका 48MP का रियर सेंसर देखने को मिला है, 2MP का यहाँ पे आपको डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है, और लास्ट आपको 2MP का देखने को मिल जाता है वो लो लाइट सेंसर आपको देखने को मिल जाता है, मतलब आप थोड़ी सी कम लाइट होती है उसमें भी आप अपने फोटो क्लिक कर पाएंगे बैक कैमरे से। चले दोस्तों बात करेंगे इसका एडवांटेज, जो कि इस स्मार्टफोन का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फीचर है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अब तक का सबसे चीपेस्ट पॉपअप सेल्फी कैमरा स्मार्टफोन। इसमें आपको पॉपअप सेल्फी देखने को मिलती है वो 16MP की देखने को मिल जाती है। दोस्तों अच्छी है सेल्फी, मैं आपको बता दूँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको बैक में फिजिकल टच वाला फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर फेस अनलॉक भी देखने को मिलता है, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा डिले करके खुलता है, क्योंकि जैसे ही आप अपने फ़ोन को आप अपने फेस के सामने लेके आते हो तो यहाँ पे पॉपअप निकल के आता है सेल्फी, उसके बाद आपके फेस को डिटेक्ट करता है, उसके बाद यहाँ पे खुलता है, तो इतना प्रोसेसिंग होने में थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है। और दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि अब तक का सबसे चीपेस्ट पॉपअप सेल्फी कैमरा स्मार्टफोन है तो इसकी प्राइस क्या है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे 9999, मतलब 10,000 रुपये की इसकी प्राइस है। अगर आपको ये स्मार्टफोन पसंद आता है तो फ्लिपकार्ट से जा करके परचेज कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको इस स्मार्टफोन के लिए बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि अगर आप 10,000 रुपये डाल रहे हैं दोस्तों, तो सिर्फ और सिर्फ एक पॉपअप सेल्फी कैमरा के लिए नहीं, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ना तो यहाँ पर आपको बैटरी अच्छी देखने को मिलती
दी है, ना ही दोस्तों यहाँ पे आपको प्रोसेसर अच्छा देखने को मिलता है, फिर क्यों डालेंगे आप 10,000 रुपये? मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। इसकी जगह दोस्तों मैं आपको एक स्मार्टफोन रिकमेंड कर सकता हूँ इस टाइम पर, अगर आपका बजट 10,000 रुपये है, रेडमी नोट 8, जिस पर दोस्तों हमने पहली अनबॉक्सिंग वीडियो बनाई है। ये हमारे चैनल की पहली अनबॉक्सिंग वीडियो है, उस वीडियो को जाकर के दोस्तों एक बार जरूर से देख लेना। वो स्मार्टफोन आपके लिए 10,000 रुपये की प्राइस में परफेक्ट स्मार्टफोन है, और उस स्मार्टफोन का लिंक आपको अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आई बटन में भी दे रहा हूँ दोस्तों और वीडियो के लास्ट में भी दे दूंगा दोस्तों। उस स्मार्टफोन को आप एक बार जरूर से देख लेना। चलो दोस्तों इस वीडियो पसंद आई, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ दोस्तों इस वीडियो को फैला दो, लोगों के पास फैलाना आपका काम है। क्यों? क्योंकि अगर आपका कोई फ्रेंड सर्कल है जहाँ पे कोई 10,000 रुपये पे कर रहा है इस स्मार्टफोन के लिए, तो आप उनको बताइए कि ये 10,000 रुपये में आपके लिए अच्छा स्मार्टफोन नहीं है, दूसरा आप स्मार्टफोन परचेज कर सकते हैं। तो मतलब 10,000 रुपये उनके बच जाएंगे दोस्तों, इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को फैला देना है। और जैसा कि पता है दोस्तों, अगर अभी तक बने हुए हैं थैंक यू सो मच, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बेल आइकन पर क्लिक करना ताकि मेरी सब वीडियो की नोटिफिकेशन आपको 100% मिलती रहे जैसे वीडियो को अपलोड करते हैं। हम मिलेंगे आपको नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।